हेलो माय फूडी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं मनदीप, वेलकम बैक टू माय चैनल मनदीप्स होम किचन। तो आज पनीर की रेसिपी बना के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। ये ब्लॉक ले लिया एक पनीर का मैंने, लगभग 500 ग्राम पनीर होगा ये, और इसको ऐसे छोटे छोटे डाइसेस में हम कट कर लेंगे। आप चाहें तो कोई भी शेप में आप पनीर को कट कर सकते हैं। अभी हम यहाँ पर नमक ले लेंगे और नमक डाल देंगे पनीर के ऊपर। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्ची। लाल मिर्ची यहाँ पे मैंने कुटी हुई यूज़ की है, आप चाहो तो कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। लाल मिर्ची डालने के बाद हम इसको क्या करेंगे, आपस में हमने मिक्स करना है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने गरम मसाला ऐड किया है 1/4 स्पून, और हम इसको अब किसी भी स्पैचुला से या स्पून से, नहीं तो आप अपने हाथ से भी इसको, ये देखिए नाइफ से कर रही हूँ मैं ताकि पनीर के पीसेस टूटे नहीं, नहीं तो हाथ से आप बहुत ही हल्के हाथों से पनीर को आपस में ऐसे ही मिक्स कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से कढ़ाई रख देते हैं। कढ़ाई या पैन जिसमें भी आप बनाएंगे उसमें हम थोड़ा सा सूख जाए, कढ़ाई गीली ना हो, उसके बाद डाल दिया मैंने यहाँ पर 2 चम्मच देसी घी। देसी घी हमारा मेल्ट हो गया, हल्का गर्म हो गया, बहुत कम गर्म ना हो, गर्म हो जाए। अगर कम गर्म होगा तो पनीर चिपक जाएगा। तो जो मैरिनेट किया हुआ पनीर है वो हम इसमें डाल देंगे। 1-2 पीसेस करते हुए डाल रही हूँ, बहुत ही केयरफुली करिए बिगनर्स, क्योंकि पानी की छींटे कई बार उड़ के अपने आप ऊपर आती हैं। ये देखिए ये हमें 4 से 5 मिनट हो गए और गैस की फ्लेम मीडियम पे है। अभी पनीर नहीं हुआ है, हमें पनीर को बहुत अच्छा सा कलर देना है, जैसे गोल्डन गोल्डन सा हो जाता है। तो ये मीडियम फ्लेम पे ही हम करेंगे, फुल फ्लेम पे पनीर जल सकता है, सिम फ्लेम भी हम नहीं रखेंगे। तो चलिए चेक कर लेते हैं अब स्पैचुला की हेल्प से। ये देखिए मैं पलट रही हूँ और पनीर पे इतना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है। ऐसे ही आपने पनीर को रेडी करना है। एक साइड से हमारा पनीर गोल्डन हो गया, एक एक पीस करके पलट सकते हैं, नहीं तो मैंने तो ऐसे स्पैचुला से किया तब भी पनीर बहुत अच्छे से हो गया। थोड़े बड़े पीसेस रखेंगे तो एक एक करके भी कर सकते हैं। ऐसे पलटा मैंने और अलट पलट करते हुए 5 से 7 मिनट में पनीर मेरा सिक गया। अब निकाल लेते हैं एक प्लेट में सारा पनीर। प्याज ले लिए 2 से 3 मैंने मीडियम साइज़ के, और मिक्सी में इसको पीस लिया। कढ़ाई वही वाली हम लेंगे जिसमें से पनीर हमने निकाला था। यहाँ पे मैंने सरसों का तेल लिया है, 2 छोटी इलायची, चक्री फूल का एक पीस और छोटी सी दालचीनी ले ली। जीरा लिया, जीरा स्प्लिटर करा, उसके साथ ही मैंने 4 से 5 कलियाँ छोटी लहसुन की ली और बारीक काट के ऐड कर दी। और लहसुन को हमने बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना। लहसुन के बाद हम साथ में ही जो हमने प्याज का पेस्ट रेडी किया था वो डालेंगे। ये देखिए प्याज यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, लहसुन मेरा हो गया, उसके बाद प्याज डाल रही हूँ। प्याज को हमने अच्छे से पकाना है। ये देखिए प्याज को भूनते जाएंगे और प्याज को हमने गोल्डन होने तक, गुलाबी होता है जो, ये देखिए प्याज मेरा इतना भून गया है। अभी प्याज को मुझे और भूनना है, तो हम प्याज को और मीडियम फ्लेम पे ही हिलाते हुए पकाते रहेंगे ताकि इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो सारा सूख जाए और प्याज में बहुत अच्छा सा कलर आ जाए। अब हम इस स्टेज पे क्या करेंगे, थोड़ी सी कसूरी मेथी ले लेंगे और कसूरी मेथी को ऐड कर देंगे। ये 1/2 चम्मच के करीब कसूरी मेथी है डाला, और हिलाते हुए ही प्याज के साथ ही मेथी को भी हम भूनने देंगे। बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी, जब पनीर की सब्जी हम खाएंगे तब भी बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। वीडियोज़ मेरी पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, लाइक कीजिए ताकि वीडियो एल्गोरिथम में आए और वीडियोस को और भी लोग देख पाएँ। शेयर कीजिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए अपन प्यार बातें भी कर ली, सब्सक्राइब करने के लिए बोल दिया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। अब हमने यहाँ पर ले लिया है दही, पनीर हमारा रेडी है। दही ले लिया और दही में हम डाल लेंगे लाल मिर्ची पाउडर। यहाँ पर लाल मिर्ची पाउडर आप अपने स्वाद के अनुसार ही मिर्ची डालना। यहाँ पे 1/2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया और 1/2 चम्मच मैंने गरम मसाला लिया है, और इन दोनों को डाल के अब हम क्या करेंगे, दही में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस मिक्स को रेडी कर लेते हैं, तब तक हमारे प्याज लाल हो रहे हैं। तो चलिए चेक कर लेते हैं हमारे प्याज को। ये देखिए प्याज हमारे इतने गोल्डन हो जाए, इतने हमें पकाने हैं। मेथी और प्याज दोनों आपस में मिल के पक गए। अब दही का जो हमने तैयार किया था मसाला डाल के, वो उसको डाल देंगे पेस्ट को, और इन दोनों को हमें पकाना है। और ये देखिए हमें इसको प्लेट से ढक देना है, प्लेट से ढक दिया था। अब हमें 3 से 4 मिनट हो गए, ढक्कन हटाएंगे तो ये देखिए ऑयल रिलीज़ हो रहा है। ऑयल सेपरेट हो जाए उतना हमें मसाले को भूनना होता है। तो इसमें अभी थोड़ा पानी लग रहा है मुझे, तो थोड़ा सा मैं उसको
गैस की फ्लेम जो है तेज कर लूँगी और फुल फ्लेम पे अच्छे से हिलाते हुए पका लूँगी, ताकि बिल्कुल पानी जो है वो सूख जाए और ऑयल हमारा रिलीज़ हो जाए। ऑयल रिलीज़ हो गया, ये देखिए ऑयल रिलीज़ हो गया। अब हम क्या करेंगे, जो दही की कटोरी थी उसी में पानी लेंगे और हम इसमें एक कटोरी तक पानी ऐड कर देंगे। यहाँ पे दो बार करके पानी डाला, तो एक कटोरी ही पानी मैंने यहाँ पे ऐड किया है। पानी डालने के बाद मसाला जो इसमें हम मसाले डालते हैं वो और अच्छे से निकल के आते हैं। मैंने कोई ज़्यादा मसाले नहीं डाले, आप ऐसे सब्जी बना के देखना, बहुत ही अच्छी बन के रेडी होती है, यम्मी लगती है। ढक्कन हटाया और ये देखिए इस स्टेज तक हमें पकाना है। और यहाँ पे गैस की फ्लेम को थोड़ा फुल कर लीजिए, मिक्स कर लीजिए, और जो पनीर हमने रेडी किया था पनीर के सारे पीसेस इसमें डाले, एक दो मिनट तक भून लिया फुल फ्लेम पे। और फिर से हमें क्या करना है, इसमें ढक्कन लगा के अब हम इसको बिल्कुल सिम फ्लेम पे ढक के रखेंगे। गैस की फ्लेम को कम ज़्यादा और स्लो कब करना है ये मैंने आपको बता दिया है। अब इसको हम सिम फ्लेम पे करेंगे और 5 से 7 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन हटाया और ये देखिए इतना बढ़िया, इतना लजीज और इतना स्वादिष्ट पनीर बन के रेडी हुआ है। आप तो चाहोगे कि हम ऐसे सूखा ही खा जाए, मैंने भी जब बनाया तो बच्चे कहने लगे, हस्बैंड और बच्चे, कि हम ऐसे ही खाना पसंद करेंगे। ऐसे भी खा सकते हो, चपाती के साथ भी सर्व कर सकते हो, मैंने साथ में चपाती सर्व की थी। चपाती, परांठा, पूरी, किसी भी चीज़ के साथ आप खा सकते हो। धनिया और हरी मिर्ची ऊपर से मैंने ऐड कर दी। और कितनी कैसी वीडियोस आप देखना पसंद करेंगे मेरे चैनल पे, और भी पनीर की रेसिपीज़ हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। पनीर को हमने कर दिया सर्व। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताना।